तो अभी मतलब तो काफी आज का ब्लॉग कौन स्टार्ट करेगा? जल्दी बोलो, तू बोलो बोलो। तो हे गाइस, ब्लॉग तो आज हम रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं। कौन सी रजिस्ट्री? कौन सी किस चीज की? किस चीज की? मकान की। मकान की नहीं, प्लॉट की। प्लॉट की। तो गाइस फाइनली आज हम जाने वाले हैं अपने न्यू प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए। आज वो प्लॉट हमारा हो जाएगा, फिर उसमें घर बनाना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल नहा धो के रेडी हो गए, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। चाची आज तो रजिस्ट्री होने वाली है। हाँ मम्मी आज तो रजिस्ट्री होने वाली है। हाँ इतना ही होगा। ओरी आज तो रजिस्ट्री होने वाली। ओरी आज तो रजिस्ट्री। और अभी अपना खा रहा है रोटी। बाय बोलू। तो भी गाइस खाना पीना हो चुका है और रेडी हो गया। अब चलते हैं सीधा तहसील और वहाँ जाकर रजिस्ट्री कराते हैं और फिर आते हैं। शायद 2 घंटे लगेंगे वहाँ पे, 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। फिलहाल तो मैं फिलहाल तो शूज साफ कर रहा हूँ अपने। ठीक है, बनियान है किसी की, फटी हुई बनियान है। कुनाली आप भी आ रहे हो? कुनाली कह रहे मैं भी चलूंगा। कभी सोचा नहीं था इतनी जल्दी मैं कभी रजिस्ट्री कराने जाऊंगा। सोचा होता आपने कभी? मैंने कभी सोचा कुछ भी नहीं सोचा था भाई। मैंने ये भी सोचा कि मैं ऐसे बनियान से जूते साफ करूंगा। थार में ही चलते हैं। मम्मी जी एक्साइटेड। चलो पहुंच गए। ये कैमरे को यहीं पर रहने, कैमरा नहीं ले जा सकते भाई तहसील में। तो गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी तहसील में, अब चलते हैं सीधा अंदर। सरदा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो गाइस देखो यहाँ पर रजिस्ट्री हो रही है और ये देखो यहाँ पर भीड़ लग चुकी है सरदा के यहाँ फोटो खिंचाने के लिए। काम हो नहीं रहा यहाँ पर, फोटो ही फोटो। चलो फाइनली। मम्मी के फेस पे स्माइल देखो। फाइनली गाइज हमारी रजिस्ट्री हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर। पूरे 3 बज गए, 2 घंटे लग गए हमको। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था मुझे क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह से मैं गया तहसील में और सारे कागज़ की कार्रवाई वगैरह ये साइन वाइन वो जो भी थे सिस्टम। लेकिन अब काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज फाइनली वो प्लॉट हमारा हो चुका है और अब हम उसमें घर बनाएंगे। जल्दी ही स्टार्ट करेंगे घर बनाना। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज पार्टी करेंगे मस्त। अब बस घर बनाने की एक्साइटमेंट हो रही है कि किस तरह से घर बनवाएंगे, सारे डिज़ाइन जो भी होगा हमारा। और आचार्य जी भी आने वाले हैं, पीयूष के पापा जी। लेकिन अम्मा वहीं हैं गाँव में अकेले। अम्मा नहीं आती। अम्मा को कहा था कि अम्मा आप भी आ जाओ, लेकिन अम्मा नहीं आती। पता नहीं क्या सीन है। अम्मा को गांव में अच्छा लगता है, मैं अकेले रह लूंगी, लेकिन अम्मा गांव में ही है। सो गाइस अभी हम रुके थे यहाँ पर छोले लेने के लिए और सरदा वहाँ पर पहुँच चुके पहले ही। छोले पैक कराते हैं और घर पे जाके कुलचों के साथ में, कुलचे घर पे पड़े थे ना। आप लोगों को मुझे अच्छा लगा, बस आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। खुश रहो। तो फाइनली छोले तो ले लिए, अब चलते हैं। कुनाली हम आगे रजिस्ट्री करा के। बाबू बधाई बधाई। कांग्रेचुलेशन सरदा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब नया घर कब बनवा रहे हो? जल्दी बनाएंगे जल्दी बनाएंगे। तो अभी गाइस फाइनली रजिस्ट्री कराई, घर पहुंच चुके हैं और अब बनाएंगे मस्त छोले कुलचे घर में ही। तो कुलचे हमारे पास हैं और छोले ले आए थे। चलो पहले बर्तन निकालते हैं। कर दे ले, मैं कर दूं। इससे नहीं होगा, मैं सब कर दूंगी। कर दो करो। तो मम्मी जी यहाँ बना रही कुलचे। तो गाइस मेरे छोले कुलचे तो रेडी हैं मस्त गरम गरम। चलो खाते हैं मस्त, जो स्वाद आ रहा है ना खाने में। तो एक टेंशन तो खत्म होगी प्लॉट की। अब पीसी घर। अब घर, अब घर। माइनक्राफ्ट में होता तो बना देता मैं भी, और होता रियल बनाना रियल घर। तो गाइस आप सजेशन दे सकते हो और कमेंट में बताना किस तरह का घर हम डिजाइन करें। हमने बहुत कुछ सोचा है वैसे तो, वो अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी 3D डिजाइन उस घर का कैसा है जो भी है। तो जल्दी ही बनाना शुरू करेंगे। माइनक्राफ्ट में उसका नक्शा बना सकता हूँ, सच बना रहा हूँ। बाबू कैसा घर बनाए, कैसा घर बनाए? जैसा आपको पसंद है वैसा बनवाओ। मतलब गाइस मेरा प्लान तो ऐसा है ना, ऐसा घर बनवाऊंगा जिसमें पूरी फैमिली ना मिलके रह सके। ऐसा नहीं है कि चाचा चाची अलग रह रहे हैं, हम अलग रह रहे हैं, पीयूष अलग रह रहा है, साहिल अलग रह रहे हैं, मैं अलग रह रहा हूँ, कुनाली अलग, दादी अलग। ऐसे घर का डिज़ाइन इस तरह से बनाऊंगा कि सबको साथ में ही रहना पड़े और हम पूरी फैमिली सारे साथ में रहें और साथ में हंसे खेले, मतलब साथ में बैठे कुछ इस तरह का डिजाइन बनाओ घर। अरे कंट्रोवर्सी होगी तो अलग कैसे जाएंगे? तो बस मेरा तो यही प्लान है, पूरी फैमिली को जोड़ के रखना है, अच्छे से सबको साथ में रखना है और कभी भी अलग नहीं होना है। सबसे मेन तो साहिल पीयूष से अलग नहीं होना है कभी भी और कुनाली से भी। तो अभी मतलब तो काफी कौन आया कौन आया? अरे वाह फाइनली चाची प्रणाम। इसकी अभी साहिल और पीयूष की खतरनाक लड़ाई हुई है, अभी आप ब्लॉग में देखना। अभी आपके आने से सिर्फ 10 सेकंड पहले मारा मार मारा फटाम फटाम।
मैं बोल रहा हूँ साथ रहेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, और ये पीछे से लड़ने में लग गए। लेकिन पीयूष को लगे मस्त। मम्मी तो फर्स्ट टाइम खा रही छोले कुलचे, मम्मी आज तक कभी छोले कुलचे खाए नहीं थे, कैसे लग रहे हैं? मैं भी तो आज खा रही हूं। अरे हाँ, चाची ने भी नहीं खाए थे, आपने तो खाए होंगे पहले। मैंने तो खाए, मैंने। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं। ओरियो का पानी है वो। मैं ये लड़के का क्या करूं, कहा इतने बड़ा तंग करके रख दिया है, बहुत ही परेशान कर। गाइस देखो पूरा पानी पानी कर दिया इन्होंने यहाँ पे, पूरा पानी कर दिया, पूरा वहां तक। मम्मी जी पूरा पानी पानी हो गया। ये को मत बोल, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं कह के थक गई हूँ बेटा। मेरा सारा पानी गिरा दिया इन दोनों ने। हाँ गिरा दिया दोनों ने। अगर पानी दिखाना पीछे से थोड़ा सा, फिर बताऊंगी तेरे को मैं। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं, अब जा रहा हूँ मैं पार्क में। शाम के टाइम में आवाज बन गई है, पार्क में चले जाते हैं मस्त। क्या नाम है इसका? लियो। लियो लड़की शर्मा गई कैमरे के आगे। गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा, गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा। दोनों भाई पेड़ में चढ़ चुके हैं। ये पैर तेरे खिसकेगा ना, थोड़ा सा पैर खिसकेगा ना, नीचे गिरेगा। तो पीयूष और ऊपर चढ़ गया भाई, छुपने के लिए बढ़िया है। तो पीयूष अभी इस आम के पेड़ के अंदर छुपा हुआ है। साहिल पीयूष को गिराने के लिए पेड़ हिला रहा है। नहीं गिरेगा भाई, नहीं गिरेगा। तो अब चलते हैं गाइस प्लॉट में, जिसकी रजिस्ट्री करा के आए ना। फाइनली ऑफिशियली हमारा हो चुका है, तो अब मजा आएगा। आज हमारी इनोवा और फॉर्चुनर दोनों यहीं खड़ी हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है ना, उसमें दोनों गाड़ी जाएंगे, इनोवा भी फॉर्चुनर भी। तो पूरी फैमिली जाने वाली नेक्स्ट ट्रिप में। तो गेस करना हम कहाँ जाने वाले हैं। हमको पता ये वाला घर भी मिल रहा था, लेकिन हमने नहीं लिया बिकॉज हमको खुद का अपना बनवाना है ना। तो खुद का अच्छी तरह से बनवाएंगे, इतना बड़ा चाहिए भी नहीं हमको। तेरे स्टंट मारने के लिए मस्त जगह बनाऊंगा। स्टंट की जगह तो पूरा पार्क ही है। पीयूष ओरियो को भी लिया है। जो यहाँ की मिट्टी है, ये हमारी मिट्टी हो गई अब। वैसे तो ये हमारा नहीं है, वैसे तो ये सब कुछ नेचर का है, हम भी नेचर के हैं, कुछ नहीं लेके जाना, ये सब यहीं कहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी रहने के लिए जब तक हम हैं तब तक तो ये हमारा ही है, तब तक तो हम यहाँ पे घर बनाएंगे रहेंगे। अबे मत कर यार कोयला, ये भी आप ही गए। तो अब मस्त यहाँ पे हम टेंट भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं, मस्त कुछ भी काम तो हम भी कर सकते हैं। अभी तो गाइस यहाँ पे झाड़ी झाड़ हो रखा है, तो झाड़ सारा साफ करेंगे हम, और यहाँ मिट्टी डालेंगे, और फिर घर बनाना शुरू करेंगे। तो अभी गाइस हम जा रहे हैं इनोवा लेके इसके सीट कवर उतरवाने के लिए। जी हाँ गाइज, उतरवाने के, चढ़ाने के लिए नहीं। इसमें हमने सीट कवर लगा रखे हैं, इतने घटिया सीट कवर है ना, उसमें मतलब जब धूप पड़ती है ना दिन भर, आजकल तो धूप आ गई है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और इतनी मतलब स्मेल आती है सीट कवर से, स्मेल आती है, और वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, मम्मी को उल्टी हो जाती है उससे। तो हमने डिसीजन लिया है कि हम इसकी सीट कवर उतरवा देंगे, जो नॉर्मल इसमें आते हैं ना वो सही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वाले हैं इसमें। तो ये सीट कवर हमने लगवाए थे, ये दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब धूप पड़ती है ना इतनी स्मेल आती है इसमें से, और इतने गर्म हो जाते हैं ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ही चीप क्वालिटी के हैं। तो काफ़ी सोच समझ के हमने डिसीजन लिया यही कि इसके सीट कवर हम निकाल देंगे, इसके नीचे नॉर्मल है वो सही रहेगा। स्काई डेक जा रहे हैं, स्काई डेक कौन रुक रहा है? तो ये पीयूष और कुनाली भी आ गए हैं, इनको पता नहीं कि हम जा रहे हैं, इनको लग रहा है हम स्काई डेक जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। नहीं। बट ऐसा नहीं है। बता गैस कर, हम कहाँ जा रहे होंगे? वायरस भी नहीं जा रहे हैं, वायरस भी नहीं जा रहे। और बताओ कहाँ जा रहे हैं? खाने तो नहीं जा रहे हम कहीं, हम किसी काम से जा रहे हैं जो मैं भूल रहा हूँ। हम किस लिए जा रहे होंगे? वो सामान लेने, शॉपिंग करने। क्या करने? शॉपिंग, कपड़ों की। नहीं नहीं, अरे चीजों की शॉपिंग करने। नहीं नहीं नहीं, टोयोटा नहीं, टोयोटा नहीं जा रहे। महिंद्रा भी नहीं जा रहे। मैं टोयोटा कह दे रहा हूँ, ये महिंद्रा कह दे रहा है। कहाँ जा रहे बताओ, सोचो कुछ तो। कड़ मर दिया दिमाग में, बत्ती जलाओ दिमाग की। तुमको पता हो क्या काम? बत्ती जला दो इनको बोल दिया सीट कवर निकालने के लिए, और निकाल रहे हैं फिलहाल ये दोनों भाई इनोवा के ऊपर चढ़ गए। तो फाइनली गाइस सीट कवर निकाल दिए हैं, और अब इसमें बदबू भी नहीं आ रही है, तो एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब चलते हैं सीधा घर, और मम्मी को दिखाता हूँ कि सीट कवर निकाल दिए आपके लिए, आपके लिए इनोवा के सीट कवर निकाल दिए, अब उसमें से बदबू नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं, नहीं आ रही, जाके देख ली। हाँ हो गई। क्या प्लान है आज का? पार्टी करने चले? देख यार, चलो यार। तो आज हमने न्यू प्लॉट लिया ना, उसकी पार्टी करते हैं। इससे महंगी चीज आज तक हमने नहीं ली ना, फॉर्चुनर ली थी, फॉर्चुनर से महंगा तो प्लॉट ही हो गया। जब मम्मी और पापा आए थे ना गांव से, तब कैसा था? तब हमारे घर में पंखा भी नहीं था, पता है? पंखा भी नहीं, वो हाथ वाला पंखा होता है ना, मम्मी उससे पंखा करती थी हमको। हमारे घर में कुछ भी नहीं था लिटरली, और आज हम एक प्लॉट ले पा रहे हैं। प्लॉट की पार्टी करेंगे, कहीं बाहर चलते हैं, आज डिनर बाहर ही करते हैं। सबके सब चाचा जी भी आ चुके हैं, चाहे चाची मैं सबके सब चलते हैं बाहर डिनर करने के लिए। तो दादाजी को तो हमने घर पे बना के दे दिया है, बिकॉज दादाजी को बाहर का नहीं खाना ना, दादाजी को घर का ही खिलाएंगे, हम खा लेंगे थोड़ा बहुत बाहर का, लेकिन हेल्दी खाएंगे, पनीर टिक्का वगैरह, क्रिस्पी कॉर्न वगैरह। लेकिन दादाजी को तो हम वो भी नहीं खिलाते, दादाजी को नॉर्मल खाने खिलाते हैं। अम्मा को मिस कर रहे हो? कैसा मिस? मिस करना क्या होता है पता आपको? याद आ रही अम्मा की? अरे नहीं तो नहीं आ रही। ना दादाजी को अम्मा की याद नहीं आ रही,
अम्मा अपनी अकेली गांव में मस्त। तुम क्या कर रहे हो भाई? ये आईपैड में लगे हैं, ये फोन में लगा है। और कुछ ही दिनों में पीयूष और कुणाली स्कूल भी जाएंगे, इनके स्कूल खुलने वाले। कल हमको स्कूल जाने, कल हमको स्कूल बुलाया है, इनका कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना है, कुछ कराना है ना। अरे रजिस्ट्रेशन नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ। देखो भाई, प्लॉट तो ले लिया, अब घर भी बन जाएगा। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी लाइफ में, हम ग्रो करते रहेंगे और चीज़ें आती रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खुश रहना और फैमिली को जोड़ के रखना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि करना पड़ेगा। और मतलब हम सब करके रहेंगे अच्छे से, बिकॉज क्योंकि पता नहीं होता ना क्या हो जाए फैमिली में, कुछ हो जाए, तो बिल्कुल बॉन्ड बने रहना चाहिए। तो हाँ, मेरे को सबसे मेन गोल तो मेरा वो है, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी, ग्रो करते रहेंगे, आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। 9 बज गए, चलो तो अभी हम जाएंगे इनोवा में ही। वो थार और फॉर्च्यूनर को भेज दो, इसमें ही रहोगे। अब आ रही है, अब बदबू आ रही है, अब ना अब नहीं आ रही ना, वो सीट कवर से आ रही थी। तो अभी गाइस स्काई डेक तो पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं सभी ऊपर। तो यहाँ पे टेबल ज्वाइंट करा दी हमने, अब यहीं बैठते हैं सभी के सभी। मम्मी जी आप क्या खाओगे? मेरे को नहीं बताया, बता जो मंगाओगे वो खा लो। जो मंगाओगे नहीं, आप बताओ ना। मेरे को नहीं पता है ना, पता आज नाम ही पता नहीं है क्या है, मैं क्या बताऊँ। आपकी फेवरेट चीज़ क्या है बताओ, फेवरेट चीज़। फेवरेट क्या है मेरी? कुछ नहीं है फेवरेट। कुछ नहीं है पता, मेरे को पिंक लेडी पीना। क्या? पिंक लेडी। क्या पीना है? पिंक लेडी। कहाँ है पिंक लेडी? पिंक लेडी अबे कॉकटेल्स है वो। दाल रोटी ऑलवेज लव। अरे वाह, यहाँ तो मस्त डिस्को लाइट चल रही है, तो यहाँ पे नाचेंगे थोड़ी देर। अभी तो पार्टी शुरू हुई यार। चल चल। मम्मी पहाड़ी गाना लगाऊं? पहाड़ी गाना। बाय द वे गाइस 11:30 हो गई है, अब एडिटिंग पता नहीं कब होगी घर जाके। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये क्या है? यहाँ तो धुआं ही धुआं हो गया। तो गाइस आज तो मस्त पार्टी होगी, खाना भी हो गया और डांस भी हो गया। तो फिलहाल चलते हैं घर पे, और थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग की वजह से पॉसिबल हो पाया है, फैमिली के साथ में हम इतना खुश हैं। और रात के 12 बजने वाले हैं, मुझे घर जाके एडिटिंग भी करनी है यार। चले कुनाली चले। तो अब साहिल ड्राइव कर रहा है, तो अभी घर पहुंच गए, ओरियो से मिलते हैं। ओरियो की बहुत याद आ रही थी यार आज। ओलू। तो भी गाइस रात के 12:30 बज चुके हैं, अब जाके हम घर पहुंचे हैं। अब फिलहाल एडिटिंग स्टार्ट करूंगा मैं, और एडिटिंग कंप्लीट करके मैं 3-4 बजे सोऊंगा अब तो। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, एंड दिल से हमको थैंक यू सो मच इतनी सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों की वजह से जो भी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अरे कुनाली क्या ढूंढ रहा है? अरे लाइट के पीछे पड़ा हुआ है, अरे पकड़ में नहीं आएगी वो। Shampoo.